developing multicultural knowledge resources in mental health practice हमने ये क्वेश्चन रेज कर चुकी है कि अगर कल्चरल साइकट्री करनी है कल्चरल एंड साइकोथेरेपी करनी है और इनको ध्यान रखना है इन चीज़ों को कि मीनिंग समझे जाएं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जो है वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो जो क्लिनिशियन और पेशेंट है उनकी रिलेशनशिप में दोनों तरफ से चीज़ें क्लियर हों तो फिर तमाम क्लिनिशियंस को और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को मल्टी कल्चरल नॉलेज जो है वो उसके रिसोर्स से इस्ता करना पड़ेगा अब जो कल्चरल पैटर्न ऑफ सोच हैं अमल के जो हमारे समाजी पैटर्न्स हैं हमारे पैदा होने से पहले वो मौजूद होते हैं हम पैदा भी नहीं होते तो वो ऑलरेडी डेवेलप हुए हुए होते हैं हम उसके बीच में जन्म लेते हैं और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम ये इनहेरिट कर चुके होते हैं अपने माँ बाप और अपने टीचर्स से वो हमें बताते हैं रूल ऑफ द गेम क्या है जब तक हम दूसरे कल्चर से एक्सपोज होते हैं और जानते हैं कि लोग हमसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है हम उन पैटर्नस को सबसे सही समझ चुके होते हैं या तो पहले हम ये सोचते हैं कि बस ये यही इसी तरह ही ज़िंदगी होती है इसी तरह ही लोग चीज़ें करते हैं सबके घर में ऐसा ही होता है छोटे बच्चे से पूछे ना तो यही समझता है कि सब जगह ऐसे ही होता है वो टोट बटोट क्योंकि नज़म थी ना शहर के चूहे उतने ही मोटे शहर की बिल्लियाँ उतनी ही म्याऊं तो वो उस वक्त यही लगता है हम सब एक ही तरह के जब तक उनको लगता है कि लोग मुख्तलिफ़ हैं और उनका कल्चर मुख्तलिफ है लोग और तरीके से भी चीज़ें करते हैं और बच्चा जैसे ही बड़े हो के घर से निकलता है स्कूल जाने लगता है उसको ये कल्चरल डिफरेंस नज़र आने लग जाते हैं लेकिन उस वक्त तक ये सोच के हमारा ही कल्चर ठीक है माशरे के अंदर बच्चों में और बड़े होते हुए जो नौजवान हैं उनमें पैदा हो चुकी होती है इसीलिए कल्चरल सेंसिटिविटी जो है वो फिर बाद में जाके हिस्सा बनानी पड़ती है इसीलिए ज़रूरी है जहनी सेहत के लिए प्रोफेशनल्स के लिए और आम शहरीों के लिए आम लोगों के लिए कि वो कल्चरल सेंसिटिविटी पैदा करें ताकि ये एक रूड शॉक ना हो बाद में मुश्किल ना हो बाद में रिजिडिटी ना हो फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हमसे जो मुख्तलिफ है वो हो सकता है वो भी होता है मल्टी कल्चरल थेरी इसी बात पे बेस्ड है एम सी टी ये अवेयरनेस नॉलेज और स्किल का एक फ्रेमवर्क है पहले आपको पता होना चाहिए उसके हिसाब से आप स्किल नॉलेज इकट्ठा कर पहले आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा होता है अगर लोग मुख्तलिफ हैं तो फिर किस तरह मुख्तलिफ हैं फिर हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं और फिर उसके हिसाब से उस नॉलेज के हिसाब से अपने स्किल जो हैं वो बिल्ड करते हैं मस चाइनीज़ एल्डर्स के साथ कोई काम करता है तो उसको पहले अवेयरनेस है कि चाइनीज़ फ़र्क हैं फिर वो नॉलेज इकट्ठा करता, करता है कैसे फ़र्क हैं तो उसको पता चलता है कि एल्डर्स के जुमला मुकमल होने से पहले उन्हें अपनी बात नहीं बताई जाती सो so, रिस्पेक्ट का एक कल्चर है सो इफ़ यू हैव एन एल्डरली चाइनीज़ क्लाइंट रिमेंबर वॉट हैपन्स इन देयर कल्चर दैट यू आर नॉट स्पीरियर वॉट एवर योर डिग्री यू आर स्टिल यंगर देन दैम एंड योर विजडम इज़ लेस देन दैम सो ये आप स्किल बिल्ड करते हैं अपने लिसनिंग में दैट यू आर नॉट द अथॉरिटी वैन यू आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद अ चाइनीज क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल और गाँव पाकिस्तान के किसी एरिए का इसकी सिक्स प्रोपोजिशन है जो हमें कल्चर के इम्पोर्टेंस बताती हैं उसके परस्पेक्टिव की ताकि हम मुनासिब तरीके से समझ सकें मल्टी कल्चर कॉन्टेक्स में किस तरह हम मुनासिब तरीके से अपनी कॉम्प्रीहेंशन बना सकें ईस्ट वेस्टर्न या नॉन वेस्टर्न थेरी एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करती है जो कॉम्प्लेक्स टोटेलिटी या इंटर रिलेशनशिप्स क्लाइंट और पेशेंट या क्लाइंट और काउंसलर की उसके अंदर डायनेमिक चेंज भी रहती है डायनेम का मतलब है बदलती हुई किसी एक जगह स्टैटिक ना हो ये काउंसलिंग का फोकस होना ज़रूरी है क्लाइंट की जो रेशल या कल्चरल आइडेंटिटी है वो बहुत हद तक डिफाइन करती है कि वो थेरेपी में क्यों आया है वो थेरेपी के प्रोसेस को कैसे अप्रोच करेगा या कोऑपरेट करेगा क्या समझ के आया है और वो अपने प्रॉब्लम को किस तरह से बयान कर रहा है या क्या समझ रहा है अब कल्चर सेंटर्ड जो अप्रोच है उसका अल्टीमेट एम ये है कि जो आपका ज़खीरा है नॉलेज का उसके अंदर जो रिसोर्स हैं हेल्पिंग के उनको ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए इसीलिए जो कन्वेंशनल लो है काउंसलिंग का कि जी एक थेरेपिस्ट है काउंसलर है एक पेशेंट है वो उसके साथ साथ कुछ ऑल्टरनेट रोल्स जो हैं वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं कम्यूनिटी है फैमिली है प्रीस्ट हैं इमाम साहब हैं सूफ़ी शेख हैं हम देखते हैं कि काउंसलिंग के जो कन्वेंशनल रोल्स हैं वो सोसाइटी में कौन करता था काउंसलिंग प्रैक्टिस के अंदर आज तक क्या होता रहा है यानी रिवायता क्या होता है कन्वेंशनली कि जी हमेशा क्लाइंट और वही होते हैं और वो अकेले होते हैं फिर इसमें एक्सपैंड करना है पर्सनल फैमिली एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ठीक है हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी थैरी किस सेटिंग में काम करती है किस कॉन्टेक्स्ट में और किस कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करती कौन से साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो हैं वो यूनिवर्सल हैं सब जगह होते हैं और कुछ जो है वो ख़ास हालात में ही होते हैं थेरी की कुछ कल्चर्स में कुछ लिमिटेशन हैं जो मल्टी कल्चरल थेरी है ना वो जो तीन क्लासिक थेरीज थी साइकोडायनामिक, बिहेवियल एंड ह्यूमनिस्टिक उनके साथ बाद में एक फोर्थ डायमेंशन या फोर्स के तौर पे ऊपरी है कल्चरल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव जो है वो इन पुरानी जो अप्रोच हैं थेरीज हैं ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं और फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी इनरिच करता है उनको एक बेस फ्राहम करता है कि अब अब फ्रॉइडियन साइकोडाइनामिक या बिहेवियल या ह्यूमनिस्टिक जो है वो कल्चर के कॉन्टेक्ट को रखे इससे वो भी इनरिच होता है इंटरपर्सनल के चार क्वाड्रेंट्स हैं कल्चरल ग्रेड बना लें क्लाइंट और पेशेंट का बिहेवियर भी एक जैसा है और उनकी जो थेरेपी से एक्सपेक्टेशन है वो भी एक जैसी है तो ये बड़ा अच्छा हामनी होती है लेकिन लेकिन कोई सीखने की नई चीज नहीं हो रही होती उसमें क्योंकि दोनों एक ही तरह के हैं बिहेवियर दोनों का डिफरेंट है लेकिन एक्सपेक्टेशन एक ही है दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेल्प होगी ट्रस्ट होगा फ्रेंडलीनेस होगी कंपेशन होगा एक्सपेक्टेशन एक है लेकिन बिहेवियर फर्क है एक चुप है एक ऊंचा बोल रहा है तो बिहेवियर डिफरेंट है लेकिन अंदर से वो एक ही बात चाहते हैं अब इसमें अगर बिहेवियर फर्क हो और अंदर से एक ही बात हो तो आप किसी तीसरे मसले में जा सकते हैं कि बिहेवियर अगर एक ही जैसा भी है लेकिन जो एक्सपेक्टेशन्स हैं वो फ़र्क है इसलिए डिफरेंट बिहेवियर को समझ के एक्सपेक्टेशंस को बाहर लाना ताकि कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग uh, ना हो तीसरा जो है कि बिहेवियर तो सेम है लेकिन अंदर से बात कुछ और चल रही है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है एक ट्रस्ट है दूसरा बिल्कुल मिसट्रस्ट कर रहा है तो ये क्लाइंट और उसके एक्सपेक्टेशंस फ़र्क हैं ऊपर ऊपर से दोनों एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं बात सुन रहे हैं बात कह रहे हैं चौथा जो है वो बिल्कुल ही पटरी से उतरा हुआ रिलेशनशिप होता है जिसमें इनकॉग्रोट बिहेवियर भी और एक्सपेक्टेशन भी हैं थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी कुछ अलग अलग चीज़ कर रहे हैं नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं जो भी चल रहा है और उनका जो बिहेवियर है वो भी एक दूसरे से बड़ा फ़र्क है ये एक वॉर की कैफियत है और इसके अंदर थैरेप्यूटिक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए वापस जाने की ज़रूरत होती है एक ट्रेनिंग मॉडल है जिसमें डिफरेंट कल्चरल काउंसलर्स जो हैं वो मैच किए जाते हैं फ्रॉम द सेम कल्चर एज द क्लाइंट और वो फिर थेरेपिस्ट जो एक और कल्चर से है उनके साथ मैच होकर वो एक टीम बनती है याद रखें कंप्लेक्सिटी यानी पेचीदगी हमारी दोस्त है साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस में दुश्मन नहीं है बिहेवियर कभी भी मीनिंगफुल नहीं होता जब तक के उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट uh, में ना इंटरप्रेट किया जाए जहाँ पे कोई पला बड़ा है जहाँ उसने ये सीखा है और जहाँ वो इस बिहेवियर को डिस्प्ले करता है